सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। चोर बाबू बदमाश बैठे हुए हैं, यो एक साजिश के तहत, एक व्यक्ति विशेष के तहत साजिश के तहत काम कर रहा है, इसलिए उसने आतंकित करने का काम किया। अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सालों से अतिक्रमण नहीं हटा, बगैर सूचना के व्यापारियों को आतंकित करने के लिए किया गया। ये किसी न किसी प्रत्याशी के इशारे पर है और बदमाशी हो रही है यहाँ पर। इसमें जो भी साजिश हो, हमारी ये प्रशासन से मांग है कि उनको तत्काल बर्खास्त करें। ईओ इसमें मिला हुआ है, संभवतः पैसे का भी बड़ा लेन देन हुआ है, तो इसलिए ये सब हो रहा है। किसी का चुनाव भी गेम बनाने के लिए किया गया, इसलिए आतंकियत करने के लिए बाजार में किया गया, बगैर सूचना के किया गया। इसमें नगर पालिका प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है, उनके जो बाबू है, वो लोग मिले हुए, उनको बर्खास्त करें, उन चोरों को निकालना चाहिए। ये किसी की हिम्मत पर नहीं रहना चाहिए, ये जानबूझ के यहाँ पर किया गया। नहीं साहब, इतनी कोई जगह में नहीं लगे थे, सब पड़ो देखा तो जगह पे लगे। असमी महाराज की देन है ये सब, उसकी टेम्पू स्टैंड बन जाए वहाँ पे, इसलिए दलाल है, दलालों को, चोरों को खत्म करना है, इसको मारा जाए बीच बाजार में साले को, वो भी कम है साले को। अपनी दुकान के बारे में बताओ, क्या कब हो तुम आओ, क्या आपकी दुकान में क्या नुकसान हुआ? पूरे तख्ता टोला ले, दूध फैल गया, पूरा सामान टूट गया, सब ले गए जीपीसी से। आपका नाम क्या है? चंदी चाय वाली। क्या आपको रोका गया था? नहीं, मुझे नहीं रोका गया, ना मुझे पहले कुछ कहा गया, जब मैं कहती जा रही, मैं हटा रही हूँ। इससे पहले कोई सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं दी, ना कोई ऐलान था, ना कोई सूचना के, बगैर किसी नोटिस के। और कृपया, मुझे मेरी प्रशासन से मांग है कि वो आदेश दिखाए किसके आदेश से किया गया, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। जो भी दोषी उनके खिलाफ सजा हो, उनको सजा मिले, उनको बर्खास्त किया जाए, और जो यहाँ पे स्थानीय लोग लड़ रहे हैं, वो दो चार नाम है, उनको हटाना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा। अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो ये हम लोग धंधा देंगे, कल से और ज्यादा उसको कार्रवाई करेंगे। नहीं, जेसीबी लेके मार्च पास्ट किया जाता है, बगैर किसी सूचना के आप बाजार के अंदर गुजर रहे हैं। आपने अतिक्रमण नहीं हटाया, सालों से आपने किया, आज एकदम से नगर पालिका के बाबूओं की मिली भगत से नगर पालिका के बाबू खराब गोली करा रही है, कहीं फिर भी रखे हुए उनकी वजह से हो रहा है। हाँ, मानता हूँ, हाँ है, बिल्कुल कर रहे हैं। अरे अब आप नहीं पता लगाएंगे तो हम लोग पता लगाएंगे क्या? तो भगाइए उसको, अंदर करिए, नहीं अंदर करिए ना उसको, उसका वीडियोग्राफी बनवाओ तुम, मैं भेज रहा हूँ निर्वाचन आयोग, मैं भेजूंगा सब चीज सिखाए। नहीं तो आप ये नहीं देख रहे हैं, मैं बताऊँ, सुनिए, मार्च पास्ट में केवल आपका रोल रहता है, नहीं रहता है।
ड्राइवर को क्यों नहीं पकड़ा? बिना जानकारी आ रहा हूँ। नहीं उसको पकड़िए ना आप, यहाँ आने से क्या? आपने बिना सूचित किए हुए कैसे इसको सूचना देना चाहिए? चलिए चलिए खत्म करिए, खत्म होना विषय नहीं है। जेसीबी चलाएगी, हेलो बिना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। एक साल नहीं हटाया, एक बार भी सूचना नहीं दिया पार्टियों को। आप अभी आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम यहाँ बहुत सारी चीजें होती है। नगर पालिका 25 साल से कब्जे में है लोगों के, और साधन का भरपूर उपयोग करते हैं लोग। समझा जाना है कि गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी, भ्रष्टाचार नहीं चलने दी जाएगी। देख रहे हम एक नहीं रहेगा इधर, मैं भेज रहा हूँ सबके नाम। बदतमीजी ये कर रहे हैं नगर पालिका से, उनको बर्खास्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, आप लोगों का नहीं है, बैठो बैठो यार, अभी सस्पेंड करें उनको।